तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा रूबरू हैं, हम यूज टू हैं, पहले हम उसको समझते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को पहले हम समझते हैं कि डेसिमल में जो डेसी होता है इसी का मतलब होता है 10। तो यहाँ पे 10 सिंबल्स हम यूज करते हैं 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास 10 तरीके के डिजिट्स कह सकते हैं या फिर सिंबल्स कह सकते हैं जिनको कि हम यूज करके किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 10 सिंबल्स हैं तो कोई भी नंबर हम अगर बनाना चाहें तो वो इन 10 सिंबल्स को यूज करके हम बना सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा 123.1, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो यहाँ पर ये जो 123.1 जो है ये इस नंबर को अगर हमें डेसिमल बाय डिफॉल्ट अगर हम लिखते हैं तो डेसिमल ही मानते हैं, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली अगर इसको बताना है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो इसका तरीका होता है कि या तो हम इस तरह से सफिक्स में या तो 10 लिख दें या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि 123.1 और इसको ब्रैकेट में लगा के बाहर ऐसे 10 लिख दें। तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में अगर हमने 10 लिख दिया इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर 10 डिफरेंट सिंबल्स यूज में आए हैं 0 to 9 और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब अगर हम इसको देखें कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 123 किस तरह से बना होगा तो 123 जो बना होगा वो कुछ इस तरह से बना होगा कि 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 0.1। ये आपने छोटी क्लास में आपने 6th-7th class में आपने पढ़ा होगा कि नंबर्स को इस तरह से फॉर्म किया जा सकता है कि 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 0.1 विल क्रिएट 123.1। इस तरह से हम ये नंबर बना सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमने पढ़ा है कि इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, उसके पहले होता है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000। तो ये उनके वेट्स होते हैं, क्या होते हैं वेट्स। तो अगर हमें इसको लिखना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹ प्लस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10⁻¹₀ प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻²⁻¹। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसा ही लिख सकते हैं ना। अगर मुझे 100 लिखना है तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻², 10⁻², मतलब 100, तो ये 100 है। अगर मुझे 20 लिखना है तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻¹। इसको 3 को लिखना है तो 3 × 10⁻¹₀, क्योंकि 10⁻¹ मतलब 1, 1 × 3 मतलब 3। अब पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो माइनस की पावर में आ जाते हैं, तो 1 × 10⁻¹-1। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके आगे भी कोई नंबर होता पॉइंट में, जैसे कि मान लीजिए 1, 2 होता, पॉइंट के बाद में 2 भी होता 1 के बाद में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते 0.02 प्लस 0.02 और फिर इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 2 × 10⁻²-2। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, फिर से ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये सारे तो सिंबल्स हो गए जो हम यूज करते आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 10² 10⁻¹₁ 10⁻¹₀ 10⁻¹-1 और 10⁻¹-2, ये सब कहलाते हैं वेट्स। इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम बोलते हैं वेट्स या फिर वैल्यू। तो हमें यहाँ पर इन वेट्स के थ्रू अगर हम हर एक सिंबल को मल्टीप्लाई करें उसके बाद उन सबको ऐड कर दे तो हमारा नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास सिंबल कौन सा था 1, उसको हमने उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया 10⁻², मतलब 100, फिर उसको प्लस किया 2 के साथ और 2 का वेट क्या है 10, 3 का वेट क्या है 1। क्यों, देखिए आप देखिए ना, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंस प्लेस, इसलिए हमने 10⁻¹₀ मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम बोलते हैं 100 प्लेस, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले अगर और होता तो हम उसको बोलते हैं 1000, मतलब जो हम बोलते हैं ना वंस या फिर बोलते हैं यूनिट डिजिट, तो यूनिट प्लेस, फिर वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, तो ये सारे इसके वेट्स कहलाते हैं। और अगर हम उस डिजिट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो इस तरह से नंबर फॉर्म होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये डेसिमल नंबर का फॉर्मेशन है, और यहीं से अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो जितने भी नंबर सिस्टम के जितने भी कन्वर्जन है वो आप समझ पाएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से किया जाएगा। और यहाँ पे हम 10 क्यों यूज़ कर रहे हैं, 10 इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता तो वहाँ पे हमें 2 यूज़ करना पड़ता, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता तो वहाँ पे 8 यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ पर हमें क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसका बेस जो है वो
10 है। तो एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो 10 लिखा हुआ है इसको हम बेस भी बोलते हैं या फिर रेडिक्स भी बोलते हैं। तो ये सारी टर्मोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं कभी भी आपसे बोलूँ कि बेस इसका 10 है या फिर इसका रेडिक्स 10 है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि बेस 2 है या फिर रेडिक्स 2 है, मतलब मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। 8 बोल रहा हूँ तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो सफिक्स में लिखते हैं इसको बेस या फिर रेडिक्स बोलते हैं, और यहाँ पर जिनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम वेट्स बोलते हैं। तो इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम फॉर्म होता है। थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फुल कोर्स के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करिए, प्रतीकजैनएकेडमी.com। थैंक यू।